हर एक पल उल्फत था, हर एक पल उल्फत था जब तक तुम थी नहीं मेरी। अब जो हो सो ऐसी हो कि मुझे खुद से फुर्सत नहीं। अब जो हो सो ऐसी हो कि मुझे खुद से फुर्सत नहीं। आज शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ, वो ये कि मुझे डर लगता है। आप सबके सामने आज मैं यहाँ बड़ी खूबसूरती से पेश करके चली जाऊंगी, लेकिन एक सच ये है कि मुझे डर लगता है। डर लगता है, पता है क्यों? क्योंकि अपने दिल के अल्फाजों को लफ्जों में बदलना मुश्किल है, लेकिन उन्हीं लफ्जों को जमाने के सामने ऐसे कह देना जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, वो बहुत मुश्किल है। इसलिए मुझे डर लगता है। आपको एक सच बताऊं, लोगों को लगता है कि मुझे कविताएं लिखने का, पढ़ने का शौक है, पर ऐसा नहीं है। जब मैं टूटी हुई थी, जब उसमें हिम्मत नहीं थी और जब मैं बहुत कमजोर थी, जब मैं कविताओं के पीछे छुपती थी, और आज भी कविताएं मेरे लिए एक हिम्मत जुटाने का एक छोटा सा साधन है। और बिना किसी शिकायत के मैं कह सकती हूँ कि इस साधन को मैं पूरी जिंदगी अपने साथ रखना चाहती हूँ। शुरुआत करते हैं कि लिखना कैसे शुरू किया तुमने। लफ्जों का दर्जा कहां था मेरे लफ्जों का दर्जा कहां था? मतलब जो कुछ भी मैं लिखती थी उसकी क्या ही अहमियत थी। लेकिन शुक्र है मोहब्बत पर, मोहब्बत इश्क तुम्हारा शुक्र है। शायरी बेमिसाल है अब जाने से तेरे। वो एक शख्स जो आपकी जिंदगी से चला जाता है और फिर आपके अंदर की जो कला बाहर आती है। लफ्जों का दर्जा कहां था मेरे, शुक्र मोहब्बत शायरी बेमिसाल है अब जाने से उसके। हमारे कुछ पुराने किस्से आज भी हैं मुझमें, हमारे कुछ पुराने किस्से आज भी है मुझमें, कुछ अधूरे टुकड़े जो जुड़े बिना रह गए वो आज भी है मुझमें, कुछ अधूरे टुकड़े जुड़े बिना रह गए जो मुझमें। यूं तो जाने से तेरी काफी सुकून में थी जिंदगी मेरी, यूं तो जाने से तेरी काफी सुकून में थी जिंदगी मेरी, मगर तेरे लौट आने की फरियाद आज भी है मुझमें, मगर तेरे लौट आने की फरियाद आज भी है मुझमें। चलिए इश्क मोहब्बत प्यार ये सब चलता रहता है, लेकिन सबसे एक ऐसी चीज जो आप सब ने देखी है, सोसाइटी वो प्यार कहाँ करने देती है। गाना भी है ना एक, इस जमाने पे मोहब्बत मुझे कहाँ, इस धरती पर प्यार कहाँ करने दे। तो कुछ सोसाइटी के लिए, यहाँ इश्क हर किसी को है, फिर भी जमाना तुझे क्यों रोकता है इसके लिए। बस खतों को धोखा दे रही थी वो, बस खतों को धोखा दे रही थी वो, उसका पता जानकर भी पता नहीं लिख रही थी वो। जो महबूबा है वो अपनी दिल की बात खत में लिखती हैं और अपने आशिक को भेजना भी चाहती हैं, उनका पता भी पता है, लेकिन पता जानकर भी पता नहीं लिख रही थी वो। एक चिट्ठी पर अपना सब कुछ कहकर, एक चिट्ठी पर अपना सब कुछ कहकर,
एक माचिस से उसे एक महज कोरे कागज की तरह जला दिया उसने। एक माचिस से महज कोरे कागज की तरह जला दिया उसने। सुन ए जमाने, इल्जाम तुझ पर है। सुन ए जमाने, इल्जाम तुझ पर है, तूने उसका प्यार मिटा दिया। एक चिट्ठी पर अपना सब कुछ लिखकर एक माचिस से एक महज किसी आम कागज की भांति जला दिया। सुन ए जमाने, इल्जाम तुझ पर है, तूने उनका प्यार मिटा दिया। चलिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जमाने से लड़कर अपनी मोहब्बत को आगे लेके जाते हैं। कितने खूबसूरत लोग होते हैं वे। लेकिन ऐसी तो नहीं कि सिर्फ जमाना दरार डालता है। कुछ तुम, कुछ मैं, हम भी तो अनबन करते हैं ना। तो ऐसे ही महबूबा और आशिक में थोड़ी अनबन हो जाती है। चलिए, सुलझ भी जाए तो महबूबा बड़े प्यार से अपने आशिक को कहती है, अगली दफा कब लड़ा जाए, अगली दफा कब लड़ा जाए, जितना भी बुरा होगा खामोशी से तो बेहतर होगा। अगली दफा कब लड़ा जाए, जितना भी बुरा होगा खामोशी से तो बेहतर होगा। अब आशिक भी महबूबा के किसी शायर से कम नहीं। वो बोलते हैं, वो बात नहीं होती बातों में मुझसे, खामोशी जो कमाल करती है तुझसे। वो बात नहीं होती बातों में मुझसे, खामोशी जो कमाल करती है तुझसे। तो ये था एक छोटा सा किस्सा मोहब्बत, इश्क पर। प्यार शायद अलग होता है। जब हम छोटे होते हैं, एक कच्ची उम्र में होते हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि मैंने जब अपनी कविता शुरू करी तो उसका कोई शीर्षक नहीं दिया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो, मैं थोड़ी अजीब किस्म की लड़की, आप मानेंगे मुझे, मैं वो अंत में बोलूँगी। मैं अपना शीर्षक अंत में बताऊँगी। तो चलिए, कच्ची उम्र की बात हो गई, अब हम थोड़े मैच्योरिटी की भी बात कर लेते हैं। तो उस पर चार पंक्तियां। अब जो संभली तो जानी, अब जो संभली तो जानी, मोहब्बत और प्यार में फर्क है थोड़ा, मोहब्बत और प्यार में फर्क है थोड़ा। जब तक मोहब्बत थी तो बर्बादी थी, जब तक मोहब्बत थी तब तक बर्बादी थी, अब जो प्यार है सो आबादी है, अब जो प्यार है सो आबादी है। अब जब प्यार के लिए इतनी खूबसूरती से मैंने एक सोच बनाई है, तो क्यों ना प्यार के लिए कुछ कहा जाए। आप सभी के प्यार हैं, कोई एक स्पेशल पर्सन होता है तो उनके लिए। बेजान सी फूल थी, बेजान सी फूल थी, पत्थर का दिल लिए घूमती थी। इस दुनिया से थकी हारी मैं खुद की ही अपनी कहानी बुनती थी। इस दुनिया से थकी हारी मैं खुद की ही अपनी कहानी बुनती थी। ना पता था तुम ऐसे आओगे, ना पता था तुम ऐसे आओगे, मेरे झुमकों को देखकर इतने प्यार से मुस्कुराओगे, मेरे झुमकों को देखकर इतने प्यार से मुस्कुराओगे। बाएं हाथ में हाथ थाम कर दाएं हाथ में दिल ले जाओगे, बाएं हाथ में हाथ थाम कर दाएं हाथ में दिल ले जाओगे। और फिर किसी सुबह इस बेजान सी फूल की धूप बनकर किसी शामों में मेरा दिल यूं पिघलाओगे, किन्हीं शामों में मेरा दिल यूं पिघलाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।